Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 लोर बंदर अधिकतर अदर बखल बल अधिकतरी अदर बसल बल अधिकतर बंदर बखल धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आज के अच्छे समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, अच्छे दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज ये नया दिन तूने हमारे जीवन में दिया ताकि हम तेरी स्तुति करें, महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को उठाए प्रभु जी। अभी हम तेरी आराधना कर रहे थे महान परमेश्वर, मयूर को आशीर्वादित कर आराधना करने के लिए प्रभु जी तूने उनकी अगुवाई किया, इसलिए हृदयपूर्वक हम तेरी स्तुति करते हैं महान परमेश्वर। जारे जब जब प्रभु जी इस दुनिया से कई लोग चले गए, बहुत ही मुसीबत में है, बहुत ही तकलीफों में है, ऐसे समय पर प्रभु तूने हमें जीवित रखा कि हम प्रभु जी तेरी स्तुति करते हुए हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके महान परमेश्वर। प्रभु जी आज की हमारी सभा को तो आशीर्वादित कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम जो वचन सीखने वाले हैं प्रभु उन वचनों पर अमल करने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं स्वर्ग पिता। प्रभु जी तूने जो वचन मुझे दिया है उसे समझाने के लिए परमेश्वर पिता तू हमारी सहायता कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथों में सबको सौंपते हुए और जितने लोग अभी प्रभु जी जुड़े हैं सुन रहे हैं और जितने लोग बाद में सुनेंगे सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सबको तू आशीर्वादित कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले दूर और पास से सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेज द लॉर्ड सलाम, धन्यवाद। और आप लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको जो अगुवाई दिया उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि इन दिनों में लॉकडाउन होने की वजह से और कोविड की स्थिति की वजह से हम लोग चर्चों में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना, स्तुति, धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, इसके तरह परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सही में देखा जाए तो जो पहली सदी की कलीसिया थी उस उन कलीसियाओं को घरेलू कलीसिया कहा जाता था, क्योंकि हर कलीसिया घरों में थी और घर में लोग प्रार्थना करते थे, घरों में लोग इकट्ठे होते थे और प्रार्थना सभाएं चलती थी। और प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय जब हम 46 और 47 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि रोज लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे, रोज लोग घर में इकट्ठे होते थे और प्रार्थनाएं करते थे, स्तुति करते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और रोज परमेश्वर नए नए आत्माओं को बचाता था और अपने चरणों में ले आता था। देखो परमेश्वर के पास काम करने का अपना तरीका है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर कार्य करेगा, इस प्रकार से परमेश्वर कार्य करेगा, ये सोच करके हम उस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं और हम ऐसे समझते हैं कि शायद परमेश्वर इससे राजी हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के पास अपना तरीका है, परमेश्वर के पास अपनी योजना है, परमेश्वर के पास अपने ढंग से काम करने का की पद्धति है जो कई बार हमें समझ में नहीं आता। हम अगर ऐसा सोचे प्रभु हम तो अकेले हैं या बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या कर सकता है, कैसा हो सकता है, लेकिन ये याद रखो कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब भी परमेश्वर हमें देता है। आप अपने घर के कोने में बैठ करके जहाँ कोई आपको देख नहीं रहा, कमरे में बंद होकर के या कोने में बैठ करके आप जो प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर उसे देखता है, सुनता है। और प्रभु यीशु ने खुद कहा कि जो तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो उन प्रार्थनाओं को मैं जाहिर में आपको तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया। इसलिए
अब यह समय ऐसा है कि हम बैठ करके गुप्त में परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें। आज भी जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रार्थना के बारे में ही बताऊँगा। यीशु की प्रार्थनाएं मैंने जो है एक बहुत लंबी सीरीज का प्रचार किया है, 7 या 8 प्रचार उसके अंदर हुआ है और वो यूट्यूब में और फेसबुक दोनों में जो है वो वचन है, आप उसे जाकर के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। हम जब प्रभु यीशु के जीवन को पढ़ते हैं तो हर कार्य के लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थनाएं की और प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु की सेवकाई आगे चली। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का कार्य प्रभु यीशु ने किया, प्रार्थना के द्वारा ही चमत्कार हुए और इन सब होने से पहले प्रभु यीशु खुद प्रार्थनाओं में बैठ करके अपने आप को तैयार करता था ताकि आने वाले दिनों में जो भी होने वाला है, जो सेवकाई होने वाली है या जो चंगाई सभाएं होने वाली है या लोग आने वाले हैं वे आशीर्वादित हो जाए, उसकी तैयारी पहले से ही प्रभु यीशु ने प्रार्थना में कर रखी थी। यह फर्क है हमारी प्रार्थना में और प्रभु यीशु के प्रार्थना में। हम लोग क्या करते हैं जब मुसीबत आके खड़ी होती है, जब सब कुछ सामने आ जाता है तब हम ना छुट के हमको प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना में हम लोग तैयार नहीं है, उस वक्त हम तैयारी कर रहे हैं, जिस वक्त काम करना चाहिए उस वक्त हम लोग तैयारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना कभी इतना असरकारक होता नहीं है कि काम हो भी जाता है और नहीं भी होता। इसलिए हमें पहले से ही प्रार्थनाओं में अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। मेरा जो प्रिय वचन है जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, लूका प्रसिद्ध सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि जो कुछ होने वाला है उससे तुम बच जाओ और परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के सामने या प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। उसे मैं आपको इस प्रकार से कहूंगा, पृथ्वी पर जीने के लिए भी आपको प्रार्थना चाहिए और स्वर्ग जाकर के प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के लिए भी आपको प्रार्थना चाहिए और ये प्रार्थनाएं आपको योग्य बनाएगा, आपको तैयार करेगा। हम जानते हैं 10 कुंवारियों के बारे में, 10 के 10 कुंवारी थी, उस 10 के 10 प्रभु यीशु को मिलने के लिए गई, 10 के 10 तैयार थे, 10 के 10 के पास मशालें थी और 10 के 10 बिल्कुल तैयार होकर प्रभु को मिलने के लिए गए। और जब प्रभु बादलों पर आया तो 5 कुंवारी उठ करके जो तेल उनके पास था उसे डाल करके उन्होंने अपने मशालों को जला लिया, लेकिन जो दूसरे 5 थे उनके पास मशालों में डालने के लिए तेल नहीं था और वो तेल खरीदने के लिए गए। वो तैयार, उन्होंने पहले से ही तेल की तैयारी नहीं की, बाकी सब अच्छा था लेकिन तेल उनके पास नहीं था। और हमें मालूम है क्या हुआ, प्रभु आके चला गया और जब वो वापस तेल लेकर के आए अपने मसालों को जलाए, इतने में समय खत्म हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और परमेश्वर ने हमें अच्छा मौका दिया है कि हम अपने आप को प्रार्थनाओं में तैयार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, उसमें हम तैयार होते रहे ताकि आने वाले दिनों में जो भी होने वाला है उन सारी बातों से हम लोग बच जाए। हम जानते हैं कि जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो शुरुआत में इतना अच्छा लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ और सब कंट्रोल में था, इतनी जो है डेथ रेट नहीं था, इतनी मुश्किलें नहीं थी, इतने केसेस नहीं थे। उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो सरकार ने दूसरी लहर को के सामने टिकने के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की और उस तैयारी के अभाव से आज हम देखते हैं कि इतनी परिस्थिति खराब हो चुकी है। मेरी बहन जो अमेरिका में है उसने मुझे फ़ोन किया, जब मैं उसके साथ बात कर रहा था तो उसने कहा
कि अमेरिका के अंदर जो पहला लहर आया उसके बाद दूसरी लहर आने आएगी उनको पता था, इसलिए उन लोगों ने पूरी की पूरी तैयारियां कर ली, नए नए हॉस्पिटल्स बनाए, कुछ बड़े बड़े स्टेडियम्स को उन लोगों ने हॉस्पिटल्स में बदल दिया। और जब ये दूसरी लहर आई तो उसका सामना करने के लिए उनके पास पूरी तैयारियां थी। इसलिए आज हम देखते हैं कि उतने लोग नहीं मरे जितने पहले मरे थे। तैयारी बहुत जरूरी है। यहां पर जो है आज जो मेरा वचन है मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 36 से लेकर 46 वचन तक, प्रभु यीशु की प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ बातें, लेकिन ये जो प्रार्थना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना। पास्का पर्व में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ पर्व मनाया, प्रभु भोजन की विधि वहाँ पर किया और उनके साथ मिलकर के प्रभु जो है गीत गाते हुए आनंद करते हुए स्तुति करते हुए प्रभु जो है गतसमने के बगीचे में आए और अपने साथ सारे शिष्यों को भी बगीचे में लेके आए। और इन सारे शिष्यों को बगीचे में लाने का उद्देश्य क्या था? रात का समय था, सारे शिष्यों को अपने साथ लाने का उद्देश्य क्या था प्रभु का? जब हम 36 वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम के एक स्थान में आया। प्रभु यीशु उनको गतसमनी के बगीचे में लेके आए और लाने के बाद और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना। बगीचे में ला करके एक जगह पर ला करके उनको कहा कि तुम यहीं बैठे रहो जब तक कि मैं वहाँ जाकर के प्रार्थना करूँ। बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ बैठे रहो और गप्पे मारते रहो बातें करते रहो, वो प्रभु का मतलब ये नहीं था। तुम यहाँ बैठो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ प्रार्थना करता हूँ, उसका मतलब प्रभु का कहने का अर्थ ये था कि तुम भी यहाँ बैठो और प्रार्थना करो। बैठे रहना, आज सबसे बड़ी समस्या लोगों का ये बैठे रहना। किसको बैठना पसंद नहीं, सबको कुछ ना कुछ करते रहना है, दौड़ते रहना है, भागते रहना है, रखड़ते रहना है, बाजार में जाना है, इधर जाओ उधर जाओ। पास्टर्स लोग भी सेवकाई में दौड़ते हैं बहुत दौड़ते हैं, बैठना उन्होंने सीखा नहीं। यहां प्रभु ने कहा यहां बैठो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे यह चाहता है कि हम भी प्रभु के चरणों में बैठे। और प्रभु बोलते हैं मैं जाकर के प्रार्थना करूंगा, मतलब मैं करूंगा, तुम भी यहां बैठ करके मेरे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। तो आज प्रभु ने ये लॉकडाउन ला करके हमारे जितनी चर्च की एक्टिविटी थी, सेवकाई का जितना एक्टिविटी था, आपको मालूम है कि मैं खुद कन्वेंशन करना, क्रूसेड करना, अलग अलग स्थानों में मीटिंगें करना, ये बहुत एक्टिविटी चलती रहती थी, सब कुछ बंद हो गया। और प्रभु ने कहा बैठो, सबको घर घर में बिठा दिए, बैठो। प्रभु यीशु ने कहा यहाँ बैठो, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूँ, मतलब तुम भी यहाँ बैठ करके मेरे साथ प्रार्थना करो, क्योंकि आगे प्रभु यीशु उन शब्दों का उपयोग करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप बहुत अच्छे सेवा करते होंगे, आप पासबान होंगे, पास्टर होंगे, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ आज, क्या आपके पास बैठने की आदत है? क्या आप समय निकाल करके परमेश्वर के चरणों में बैठते हो? प्रभु इनको अपने साथ ले जाने का उद्देश्य यही था कि उनको वहां बिठाए, अपने साथ में बिठाए। प्रभु चाहता है कि हम भी कुछ समय परमेश्वर के चरणों में उसके पास बैठे। तो बैठना सीखा। हालेलुया। जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं,
तब तक आप बैठो। और प्रभु यीशु ने फिर क्या किया, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया, तीन व्यक्तियों को वह अपने साथ लेके गया, पतरस, योहन्ना और याकूब अपने साथ लेके थोड़ा आगे लेके गया, बाकी लोगों को बोला यहाँ बैठो। 12 शिष्य है, यहाँ पर अभी सिर्फ 11 है, क्योंकि एक यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए वो अपनी चाल खेल रहा है, और बाकी जितने तीन लोगों को प्रभु यीशु ने अपने साथ में लिया, और बाकी 7 चेले वहां पर बैठे हैं। प्रभु ने उनको प्रार्थना करने के लिए बोला और साथ ले गया, और उदास और व्याकुल होने लगा। प्रभु यीशु के सेवकाई में ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर यह लिखा है कि वो खुद उदास और व्याकुल होने लगा। प्रभु कभी उदास नहीं हुआ, कभी व्याकुल नहीं हुआ। हाँ, प्रभु जो है लाजरस के कब्र पर जाकर के रोया, लेकिन व्याकुलता के वजह से नहीं रोया, उदासी के वजह से नहीं रोया, उनके अविश्वास को देकर के रोया। प्रभु खुद उदास और व्याकुल होने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु जानता था कि अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें होने वाली है जिसके सामने उसे टिकना है। 3 बातें हैं मेरे प्यारे, पहली बात यह है खड़े रहना। प्रभु यीशु को पता था कि आने वाले दिनों में कुछ समस्याएं उसके विरोध में आ रही है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे क्रूस पर चढ़ना है, उससे पहले बहुत सारे मुसीबतों में से आप विपत्तियों में से उसे गुजरना है, इसलिए उस बातों को देख करके उदास हुआ और व्याकुल होने लगा। अपने हमारे जीवन में भी आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे मुख पर उदासी छा गया है, हमारे जीवनों में निराशा आ गई है, हम व्याकुल होने लगे हैं। अब किसी को भी देख लो, किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एक तो विपत्ति सामने है और उस विपत्ति के वजह से उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारे जीवनों पर पड़ रही है, बाहर निकलना मुश्किल है, मजदूरी करना मुश्किल है, हर बातों में जो है हमें हर चीज हमें व्याकुल कर रहा है। और इन बातों में हमें पहली बात है खड़े रहना है, दूसरा है सामना करना है, और तीसरा है मल्ल युद्ध, मतलब उसमें से हमें जीतना है। ये 3 बातें हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी विपत्ति में, हर एक स्थिति में, कुछ भी हो, कैसा भी सताव हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, तकलीफ हो, संकट हो, दुख हो, पहले हमें उसमें खड़े रहना है। और यह खड़े रहना है। और तीसरी बात, सामना करते हुए उससे युद्ध लड़ना है, हमें जीतना है, उस पर जय पाना है, उस पर प्रबल होना है। और वो हम कैसे हो सकते हैं उसके बारे में प्रभु यीशु यहां पर हमें उसका नियम सिखा रहा है। फिर उसने 38 वचन में, तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्रभु इतना निराश हो गया, इतना दुखी हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि वो प्रभु यीशु खुद कह रहा है कि मेरे प्राण भी निकला जा रहा है। और पहली बार प्रभु यीशु के साथ ऐसी स्थिति आई है, तो ऐसे स्थिति में प्रभु ने अपने सारे शिष्यों को साथ में लिया ताकि सारे के सारे शिष्य उसका साथ दें, ऐसे स्थिति का साथ दें, उसके साथ खड़े रहे, सामना करें,
और उसके साथ मिलकर के इस युद्ध को जीते। लेकिन शिष्यों ने क्या किया, अब प्रभु यीशु अपने इन तीन चेलों को क्या करता है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। सात शिष्यों को बोला तुम यहाँ बैठो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मतलब तुम बैठो, तुम भी प्रार्थना करो। यहाँ तीन शिष्यों को ले जाके बोलते तुम यहाँ रहो और तुम मेरे साथ जागते रहो, सोना नहीं। मतलब जागते रहो का मतलब ये, तुम भी मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करो। प्रभु ने तीन ग्रुप बनाया, सात लोगों का एक ग्रुप, तीन लोगों का एक ग्रुप और एक प्रभु का अकेले का एक ग्रुप, और तीन ग्रुप को बनाया ताकि वो प्रार्थना करे, ताकि इस स्थिति में वे खड़े रहे, सामना करे और जय पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जीवन में कई प्रकार की, इस प्रकार की जब परिस्थिति आती है, हम निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हम चिंता में पड़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा प्राण निकलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रभु ने हमें योजना बनाई वो ये बताया है कि कुछ ऐसे लोगों को तैयार करो जो तुम्हारे साथ खड़े रहे और प्रार्थना करे। तुम्हारे ऐसे मित्रों को तुम्हारे साथ लो जो तुम्हारे साथ खड़े होकर के प्रार्थना करे, और उसके साथ आप भी जा करके परमेश्वर के चरण में घुटने टेक करके प्रार्थना करना शुरू करो। उनचालीस वचन, फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। घुटनों पर गिर गया मुंह के बल, नम्रता के साथ वो प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु ने उनको काम सौंपा, बैठो, जागते रहो, और जाकर के प्रभु ने ये नहीं सोचा कि चलो मैंने इनको काम सौंप दिया, ये लोग प्रार्थना करेंगे, मैं आराम करता हूं। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने प्रार्थना करने की जवाबदारी दूसरों को सौंप दी है, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने भले उनको कहा, लेकिन प्रभु ने जाकर के प्रार्थना किया। प्रभु ने प्रार्थना करके ये बताया कि जो समस्या में है उनको भी प्रार्थना करना है, उन्हें भी परमेश्वर को पुकारना है, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। और प्रभु ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये जो कटोरा मेरे हाथ में आ रहा है प्रभु जी, ये बहुत भारी है, बहुत दुख में है, बहुत बड़ी विपत्ति है, लेकिन तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु से छूटना चाहता था, बचना चाहता था, लेकिन फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हमें पूरा हक है कि हम प्रार्थना करें कि विपत्ति में से छुटकारा पाए, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वही हमारे जीवन में होगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के लिए भी अपने आप को प्रभु के चरणों के अंदर आपको सौंप देने की जरूरत है। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रभु प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रभु वापस आया, 40 वचन, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। जो सात लोगों को बिठा के गए वो भी सो रहे, जो तीन उसके बहुत ही अच्छे मित्रों को साथ में लिया था वो भी सो रहे हैं। और पत्रस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सके? देखो, पहली बात मैंने आपको कहा, गतसमने में इन सबको लेके जाने का प्रभु का उद्देश्य है, उनको अच्छी तरह खाना खिलाया, अच्छी तरह पेट भर के खिलाया। प्रभु ने उनके साथ संगति किया, उनको पेट भर के खाना खिलाया, कोई कमी नहीं रहने दिया, और सब खिलाने के बाद, पिलाने के बाद, आशीषित करने के बाद फिर उनको अपने साथ ले जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। और प्रभु कह रहा है कि मेरे साथ तुम भी प्रार्थना करो,
लेकिन उस प्रार्थना के बजाय वैसे लोग सो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मसीह जगत में प्रभु के लोगों की यही स्थिति है। प्रभु ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, प्रभु ने उनको खाना दिया भरपूर, प्रभु ने उनको आशीष दिया, और सारे के सारे आशीषों को लेकर के कुछ लोग घमंडी हो गए, कुछ लोग हल्के में लेने लगे, कुछ लोग गंभीर नहीं है, कुछ लोगों के जीवन में प्रार्थना की आदतें नहीं है। अगर आशीष में देने में प्रभु तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो प्रार्थना करने में भी प्रभु तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए प्रभु तुम्हें गतसमने के बाद में ले जा रहा है, और प्रभु कहता है यहाँ बैठ करके प्रार्थना करो, यहाँ बैठ करके मेरे साथ जागो। यहाँ प्रभु क्या बोल रहा है, क्या तुम मेरे साथ, मतलब प्रभु इनको लेके जा रहा था ताकि वह इनका साथ दे। कई बार मेरे प्यारों यही हमारी स्थिति है, जब खाना खाना रहता है तब सब लोग साथ देते हैं, लेकिन जब व्याकुलता के अंदर, विपत्ति के अंदर, उदासी के अंदर प्रार्थना करने की बारी आती है तो बाकी सब सो जाते हैं, तब कोई साथ नहीं देता, साथ में खड़े भी नहीं रहते, सामना करने के लिए साथ में नहीं है। तो मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे प्रभु व्याकुल नहीं हुआ। प्रभु की इच्छा यह थी कि ये सारे लोग प्रभु का साथ दे। शायद प्रभु ने सोचा होगा, 3.5 साल तक मैंने इनको साथ में रख करके मैंने इनका साथ दिया, तो ऐसी एक स्थिति जो मेरे सामने आ रही है, इस स्थिति में ये लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दिया, वे सब के सब सो गए। प्रभु ने क्या, क्या तुम मेरे साथ, एक घड़ी भी जाग नहीं सके, एक घड़ी मतलब एक घंटा, क्या तुम मेरे साथ एक घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाए। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको यही प्रश्न पूछ रहा है। जिस दिन से आप प्रभु में आए, उस दिन से लेकर आज तक प्रभु ने आपको संभाला, आपको चलाया, आपको आशीषें दी, आपको जो है प्रभु ने हर प्रकार की बातों से प्रभु ने आपको छुड़ाया, आपकी हर जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया, प्रभु ने आपको आशीर्वादित किया, और आज जब प्रभु आपसे प्रार्थना की विनती कर रहा है, प्रार्थना में प्रभु का साथ देने की बात कर रहा है, तब आप सो रहे हैं। क्या आशीष देकर प्रभु ने गलती किया? प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु का साथ दें, एक घड़ी, अरे कम से कम एक घंटा तो प्रार्थना करो प्रभु के लोगों, अपने अपने घरों में कम से कम एक घंटा तो प्रभु को पुकारो। प्रभु सिर्फ तुमसे एक घंटा मांग रहा है, आज मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में एक घंटा प्रार्थना करने की आदत है, क्या आप अपने जीवनों को प्रार्थना में तैयार कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जीने के लिए भी प्रार्थना चाहिए और स्वर्ग में जाकर के प्रभु के सामने खड़े होने के लिए भी प्रार्थना चाहिए। अब दूसरा, प्रभु यीशु क्या कह रहा है, ठीक है तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते, मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रार्थना में मेरा साथ नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, 41 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु बोलता है जागते रहो, सो मत, अभी उठो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो। अब तुम मेरे लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन अपने लिए प्रार्थना तो करो, अपने लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में मत पढ़ो। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो परीक्षा में पड़ेगा। देखो, विपत्ति मुसीबत सब पर आएगी, लेकिन प्रार्थना करने वाले को उसमें से निकलने का रास्ता परमेश्वर बता देगा।
प्रार्थना करने वाले को प्रभु उसमें से निकाल लेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, गड़बड़ी में रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसा बचना है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां भागना है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे। प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो चाहता है प्रार्थना करने का लेकिन शरीर आपको करने नहीं देता है। आत्मा तो कहता है उठो प्रार्थना करो, शरीर कहता है नहीं सो जा सो जा सो जा। आत्मा कहता है उठो प्रार्थना करो लेकिन शरीर बोले नहीं और थोड़ी देर और सो जा, कोई काम धंधा कुछ है नहीं, आराम से उठो। मेरे प्यारे भाई और बहन, अब प्रभु ने प्रार्थना की जवाबदारी तुम्हारे पर छोड़ा कि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो इसलिए प्रार्थना करने लगा। और प्रभु इन सब बातों से व्याकुल नहीं हुआ। फिर प्रभु ने दूसरी बार जाकर के प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि मेरे ये पिए बिना हट सकता है तो हट जाए, नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु की प्रार्थना चालू है। प्रभु ये नहीं देख रहा है कि कितने लोग मेरे साथ है, कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, कितने गड़बड़ी कर रहे हैं, कितने सो रहे हैं, ये सब प्रभु नहीं देख रहा है। प्रभु जाकर के उनको जगाता है बार बार कि भाई उठो प्रार्थना करो, अब तुम परीक्षा में मत पड़ो इसके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु जाकर के सो गया, प्रभु जाकर के प्रार्थना में लग गया। दूसरी बार फिर प्रभु ने जाकर के प्रार्थना किया एक घंटा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई करे कि नहीं करे, आपको तो करना है, आपको जगना है, आपको तैयार होना है। कई लोग ये सोचते हैं अरे विपत्ति में तो वो है ना, समस्या उसकी है, मेरा तो है नहीं, मैं तो अच्छा हूं इसलिए उसको भुगतने दो, उसको प्रार्थना करने दो। ये भी आपका सोच बहुत गलत है। हमें लोगों को प्रार्थना में मदद करनी चाहिए ताकि वो उस मुसीबत से विपत्ति से बाहर निकले। मैं अपने चर्च के जवानों का धन्यवाद देता हूं जो रोज सुबह उठकर के 5 से 6 प्रार्थना में समय बिताते हैं। और मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी उन प्रार्थनाओं में जुड़े। और प्रभु आकर के वापस दूसरी बार प्रार्थना करने के बाद आकर के देखता है कि वापस वो लोग सोए हुए हैं, ना तो उन्होंने प्रभु का साथ दिया और ना ही उन्होंने अपना अपने प्रार्थना में अपना साथ दिया, ना तो दूसरों का साथ दिया और ना ही अपने लिए प्रार्थना की। मैं आपको ये प्रश्न करता हूं, आज आपके जीवन में प्रार्थना का की आदत किस प्रकार से है? आज भी प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर के हमारे लिए मध्यस्थी करता है और प्रभु कहता है कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो, तुम भी अपने लिए प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि प्रार्थना के बिना काम चलने वाला नहीं है और यह प्रभु हमें सिखा रहा है। ये प्रार्थना करके प्रभु हमको सिखा रहा है कि आने वाले दिनों में जो भी विपत्तियां आएगी, जो भी समस्या आएगी, उसमें से बचने का रास्ता एक ही है कि तुम अपना जीवन प्रार्थना में बिताओ।
अपने आप को प्रार्थना के हवाले करो, कम से कम एक घंटा प्रार्थना करो। प्रभु ने आकर के देखा, दूसरी बार प्रार्थना करने के बाद आकर के देखा तो देखा तो वो सो रहे, तो प्रभु ने उनको जगाया नहीं और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और यही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। प्रभु उनको छोड़ के चला गया, प्रभु ने उनको जगाया नहीं, कुछ नहीं कहा, मतलब प्रभु ने उनको समय दिया कि वो समय का सदुपयोग करें, समय की गंभीरता को समझ करके खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, सो रहे हैं तो भी प्रभु आपको खिला रहा है, पिला रहा है, मुसीबत से बचा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपके सोने की आदत को प्रभु ने मंजूरी दे दिया है। नहीं, प्रभु आपको समय दे रहा है, बेटा सुधर जा, सीधा हो जा, उठ के प्रार्थना कर, मेरे चरणों में बैठ। वो आपको मौका दे रहा है, आपको जो है प्रार्थना के लिए समय दे रहा है। पहली बार तो उसने आपको कहा कि मेरे साथ प्रार्थना करो, आपने नहीं किया। दूसरी बार कहा कि आप अपने लिए प्रार्थना करो, तो भी नहीं किया। फिर प्रभु ने तुम्हें समय दिया कि भाई उठ करके तुम अपने हिसाब से करो, तो भी नहीं किया। आज कई लोगों को प्रभु समय दे रहा है कि वे उठ करके परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना में अपना समय नहीं बिता रहे हैं। कितने दुख की बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, आपका जीवन आज किस प्रकार से है कि आप परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना में अपना समय देते हैं कि नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि प्रभु जो है मेरे साथ है, प्रभु मेरा सारे कार्यों को कर रहा है, इसे चलता रहेगा। नहीं, प्रभु आपको समय दे रहा है कि आप प्रभु की ओर फिरे, प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के चरणों में बैठे और आप प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु आपको समय देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। क्या उठो, अब ये इसी घटना को मैं लूका में से कुछ वचन को आप वचन आपके साथ सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु ने तीन बार प्रार्थना की है, ये प्रार्थना का प्रभु यीशु को फायदा क्या हुआ? लूका उसका 22 उसका 42 वचन, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब तीसरी प्रार्थना प्रभु ने पूरी की, मैंने आपको पहले कहा पहली प्रार्थना प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ मांगा, शिष्य हो गए। दूसरी प्रार्थना में प्रभु ने कहा कि तुम उठ करके प्रार्थना करो, जागते रहो, मेरे साथ कम से कम एक घंटा बैठो और तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो इसलिए प्रार्थना करो, तो भी नहीं प्रार्थना किया, तब भी सो गए। और तीसरी बार प्रभु ने जो है जाकर के उनको उठाया और कहा, प्रभु ने उनको उठाया नहीं और प्रभु ने उनको मौका दिया, समय दिया कि वो प्रार्थना करें, तो भी उठ करके उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, वो सोते रहे। इस दरमियान प्रभु यीशु ने तीन बार प्रार्थनाएं की, कम से कम तीन घंटे प्रार्थनाएं की, और उस प्रार्थना का परिणाम क्या है? परिणाम 43 वचन, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, उसके तीन घंटे के प्रार्थना में परमेश्वर ने एक स्वर्ग दूत को भेजा जो उसको सामर्थ देता था। इसका मतलब क्या है? जब जब प्रभु प्रार्थना करता था तो यह स्वर्ग दूत प्रभु को सामर्थ देता था, अलग अलग प्रकार की सामर्थ देता था।
जो प्रभु ने अभी तक सेवकाई किया, यह सेवकाई परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा किया, और उसको सामर्थ्य देने वाला एक दूत को परमेश्वर ने ठहराया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जब हम प्रभु के चरणों में जाके प्रार्थना करेंगे, भले कोई आपका साथ नहीं दे, आप जाकर के प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, प्रभु को पुकारोगे, तो याद रखो जो स्वर्ग दूत को परमेश्वर ने ठहराया है, जो सामर्थ्य देता है, वो आएगा और आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा। और वही पवित्र आत्मा आज हमें दे दिया गया है, और पवित्र आत्मा अपने अपने ओर से हमें सामर्थ्य देता जाएगा। अब प्रभु यीशु को सामर्थ मिल गई आने वाले सारी मुसीबतों से बचने के लिए, सहन करने के लिए, खड़े रहने के लिए, सामना करने के लिए, युद्ध लड़ते हुए जीतने के लिए, उस पर प्रबल होने के लिए, और सब कुछ सहन करने की शक्ति परमेश्वर की ओर से यीशु को मिल गई प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमको भर देगा। उसके बाद जो भी सामर्थ्य की हमें जरूरत है, वो सामर्थ्य हमें मिल जाएंगे। तो हम तैयार हैं, तो हमें उस कार्य में पहुंचने के बाद तैयारी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम तैयार हैं, इसलिए जैसे ही मौका मिलता है परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं आपके द्वारा। यह है प्रार्थना का परिणाम। प्रेरितों के काम में कई जगह हम पढ़ते हैं कि जब वो प्रार्थना करके प्रभु से कहे, प्रभु हमको हिम्मत दे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और जो स्थान पर वे इकट्ठे थे वो हिल गई, और परमेश्वर ने उन्हें हिम्मत के साथ वचन बोलने के लिए सामर्थ्य दिया। तो सामर्थ समय समय पर परमेश्वर ने देता रहा, और वो सामर्थ जो उन्हें मिला वो प्रार्थनाओं में मिला, प्रार्थनाओं में मिला। यहां प्रभु यीशु ने प्रार्थना करके इन व्यक्तियों को, शिष्यों को यही समझाना चाहता था, जो वो समझ नहीं पाए, लेकिन प्रेरितों के काम में जब आए तब उनको समझ में आना शुरू हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमें इस सामर्थ्य की जरूरत है। आज भी हम सामर्थ्य के बिना पृथ्वी पर नहीं रह सकते। आज हम चारों तरफ देखते हैं कितने अमीर लोग, उनका पैसा काम में नहीं आया, उनका जो है रिकमेंडेशन काम में नहीं आया, सैन्य शक्ति काम में नहीं आई, लोगों की ताकत काम में नहीं आई, उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग किया वो काम में नहीं आया। परमेश्वर पूरे मानव जात को अपने घुटनों पर ले आया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही छुटकारा क्या है किसी को पता। एक के बाद एक बेगर दवा निकल रही है, दवाएं ये करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, रोज नया नया दवा निकल रही है, और सरकार उसको अप्रूव कर रही है, भाई कैसा भी हो कुछ ना कुछ तो होने दो। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु यीशु ने हमें यहाँ पर विपत्तियों में, विपत्ति आने से पहले उसके सामने खड़े होने, सामना करने और उससे लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, या प्रभु यीशु ने गतसमने के बगीचे में हमें सिखा दिया है। हमको सिखा दिया कि जाओ घुटने पर बैठो, आग्रह पूर्वक प्रार्थना करो, और उसके बाद 44 वचन में लिखा है, और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। यह बल प्राप्त करने के बाद और भी व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगा, और भी आग्रह के साथ प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के नाई भूमि पर गिर रहा था।
ये प्रार्थना इतनी ताकतवर प्रार्थना थी कि आंखों में से आंसू निकल रहे थे, शरीर में से एक पसीना निकल रहा था, और पसीने के साथ में जो है बड़ी बड़ी लोहू की बूंदें निकल रही थी। और यही प्रभु हमें सिखा रहा है। आप भी चाहिए प्रभु के चरणों में, आग्रह पूर्वक बैठिए, प्रार्थना कर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले से कहा अगर पृथ्वी पर जीना है तो भी प्रार्थना करना है, और स्वर्ग में जाकर के प्रभु के सामने खड़ा रहना है तो भी प्रार्थना करना है। तो आपकी की भी प्रार्थना कहीं ना कहीं तो काम लगेगी, अगर ऊपर चले गए तो भी काम लगेगा, अगर बच गए तो भी काम लगेगा। मेरे प्यारे भाई और और 46 वचन में लुका में प्रभु बोलता है उठो प्रार्थना करो, प्रभु उनको धमका रहा है उठो प्रार्थना करो। आज प्रभु के दास के नाते मैं आप लोगों को धमका रहा हूं और ये कह रहा हूं कि उठो प्रार्थना करो। ग्लोरी टू गॉड। उठो प्रार्थना करो, हम वापस बत्ती में आएंगे। और 45 वचन में पढ़ेंगे, जब प्रभु प्रार्थना कर चुका, प्रभु को बल मिल गया, बल मिलने के बाद भी प्रभु ने आग्रह पूर्वक प्रार्थना किया और शिष्यों को धमकाया कि उठो प्रार्थना करो, तो भी वो प्रार्थना नहीं कर कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, सोते रहे। तब प्रभु जो है 45 वचन में आकर के चेलों से कहा अब सोते रहो, अब सोते रहो, विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। अब वो समय आ गया है, विपत्ति का समय आ गया है, अब वो तुम पर हावी होने वाला है, इसलिए अब सोते रहो विश्राम करो। अब तुम प्रार्थना करोगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि प्रार्थना का समय चला गया। प्रभु को उस समय खोजो जब वो मिल सकता है, नहीं तो ऐसा समय आएगा कि आपके खोजने पर भी प्रभु आपको नहीं मिलेगा। आप चिल्लाते रहोगे कोई आपका सुनने वाला नहीं है। ईसा को जब आशीष लेना था वो चिल्ला चिल्ला करके रो रो करके गिड़गिड़ा करके आग्रह पूर्वक उसने मांगा, लेकिन उसके पिताजी ने कहा मेरे पास तेरे लिए कोई आशीष नहीं है क्योंकि गलती तूने किया। जब प्रार्थना करने का टाइम जैसे सोते रहे, और अब जो है तुम आशीष लेने के लिए मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत अच्छा मौका प्रभु ने हमको दिया है कि हम जागते हुए प्रार्थना करना शुरू करें। और उसका परिणाम क्या है, प्रभु यीशु ने यहां प्रार्थना करके उसका परिणाम हमें दिखाया कि हमें वो सामर्थ मिल जाएगी जिससे हम खड़े हो सकते हैं, सामना कर सकते हैं, और मल्ल युद्ध करके हम मुसीबतों पर जय पा सकते हैं, हम प्रबल हो सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। उसके बाद प्रभु कभी उदास नहीं हुआ। ये प्रार्थना के बाद प्रभु उदास नहीं हुआ, प्रभु घबराया नहीं, प्रभु को डर नहीं लगा, प्रभु चिल्लाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे वो सामर्थ मिल चुका था, वो बिल्कुल तैयार था, he was prepared। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रार्थना का जीवन हमें तैयार करेगा, मैं सेवका के लिए तैयार करेगा, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें तैयार करेगा, हर एक बातों में बाहर निकलने के लिए हमें तैयार करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि जो कुछ आने वाला है उससे तुम बच जाओ।
मतलब अब तुम्हारी जो प्रार्थना है वो तुम्हें तैयार कर रहा है आने वाले दिनों में विपत्तियों में से बचने के लिए। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए प्रार्थनाएं आपको तैयार कर रही है मेरे प्यारे भाई और बहन। क्यों ना हम प्रार्थनाएं करके अपने जीवनों को तैयार करें। सिंपल बात है, सिंपल। प्रभु ने आपसे पैसा नहीं मांगा, प्रभु ने आपसे बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं मांगी, प्रभु आपसे सिर्फ आपका थोड़ा समय मांग रहा है, एक घड़ी, एक घंटा। प्रभु कह रहा है मेरे साथ एक घंटा प्रार्थना करो बस, इससे और कोई भी बड़ी चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ एक घंटा प्रार्थना करो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। क्या आज आप प्रभु के साथ एक घंटा प्रार्थना करने का निर्णय करोगे? क्या आप एक घंटा प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आपका एक घंटा किया हुआ प्रार्थना, रोज एक घंटा किया हुआ प्रार्थना आपके जीवनों को तैयार करेगा कि आने वाले दिनों में जो भी होने वाला हो उसमें से आप निकल जाओ। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ, रहने के लिए भी योग्य और जाने के लिए भी योग्य। और ये योग्यता सिर्फ प्रार्थना में ही आएगा। आजकल कई लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और इस कोविड के स्थिति में ये साबित हो गया कि पैसा आपको बचाने वाला नहीं। अरे पैसा होने के बाद भी लोगों को श्वास लेने का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जो परमेश्वर फ्री में दे रहा है, मेरे प्यारो, प्रभु यीशु ने हमें बता दिया है कि किस प्रकार तैयारी करना है। गतसमने की बाग की प्रार्थना, मत्ती 26 उसका 36 से लेकर 46 वचन, और लूका 22 उसका 42 से लेकर के 44 वचन। प्रभु ने हमें सिखा दिया, बता दिया, इसलिए हम उसके लिए तैयार हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा दिया हुआ वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, गतसमने के बाकी प्रार्थना के द्वारा तूने हमें सिखाया कि आने वाले दिनों में जो भी होने वाला है उससे बचने के लिए हम क्या करें। प्रभु जी, आज सुनने वाले जितने लोग हैं, अभी जो सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में जितने लोग उसे देखेंगे और सुनेंगे, प्रभु जी अपने जीवन को एक घंटे प्रार्थना करने के लिए सौंपना सिखाइए। प्रभु जी, कम से कम एक घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मर्जी, ताकि परमेश्वर उनके सामने आने वाली सारी विपत्तियों में से में वे खड़े रहे, उसका सामना करें, उस पर जय पाए। प्रभु जी, खड़े रहे, सामना करें और जय पाए। प्रभु जी, तो ऐसा कार्य कर, ऐसी प्रार्थना कर, समझे अपने जीवन में कि प्रार्थना ही विपत्तियों में से बचने का मार्ग है, समझे कि प्रार्थना ही बल है। प्रभु यीशु, जब तूने प्रार्थना किया, स्वर्ग दुनिया करके तुझे सामर्थ्य दिया, तो वे समझे कि प्रार्थना ही सामर्थ है। प्रभु, तो सबको आशीर्वादित कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में प्रार्थनाएं करने का निर्णय करके कम से कम एक घंटा अपना समय प्रार्थना में देने में सहायता कर। प्रभु जी, रात में सबको सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करें। आज सुबह कुछ काम होने की वजह से हमने ये सभा को आज शाम को किया, अगले संडे को भी परमेश्वर की इच्छा होगी तो
दिन में सभा रहेगी 10 बजे से 11:30 बजे तक, और आप लोग जरूर जुड़िए और दूसरों को भी आप प्रेरणा दीजिए कि वे भी इन प्रार्थना में जुड़े। और बीच में जूम पर और कई प्रकार की सभाएं होती है जो आप फेथ चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जरूर डालूंगा, तो आप लोग जरूर आइए और वचन सुनिए। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करें। धन्यवाद। आमेन आमेन।